हेलो गाइस, दिस इज सीए कन्हैया मणियार। लास्ट लेक्चर में अपन ने डायरेक्ट टैक्स चालू किया था, बेसिक कंसेप्ट चालू किया था, और मैंने आपको बोला था कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है सिर्फ वार्म अप है आपके लिए। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के जो टैक्स होते हैं वो गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट करती है। मैंने बोला था गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉर हॉस्पिटल्स, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा, और उसके लिए फंड कैसे जनरेट होता है टैक्सेशन से। फिर दूसरी चीज मैंने बताई थी कि जो हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को राइट कहाँ से मिलता है। तो मैंने बोला था गवर्नमेंट आर्टिकल 246 में से राइट लेती है, सेवेंथ शेड्यूल, उसके अंदर लिस्ट ए यानी कि लिस्ट वन, उसमें एंट्री 7 में से उसको डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिलता है। फिर मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स चार चीज़ों से गवर्न होता है। पहला इनकम टैक्स एक्ट, फिर रूल्स, फिर सर्कुलर क्लैरिफिकेशन, जुडिशियल जजमेंट। उसमें मैंने आपको इनकम टैक्स एक्ट जो बोला था मेन कंटेंट है, रूल्स प्रोसीजर वैल्यूएशन के बारे में बोलता है, और सर्कुलर क्लैरिफिकेशन, सर्कुलर वगैरह कोई भी चीज़ जो एक्ट में कन्फ्यूजिंग है, कोई प्रोसीजर बताना है उसके लिए काम में आती है। फिर जुडिशियल जजमेंट, कोर्ट के जजमेंट, कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया, उसमें कन्फ्यूजन है तो लार्ज जजमेंट, उसमें भी कन्फ्यूजन तो लेटेस्ट इन टाइम। हाई कोर्ट रिस्पेक्टिव जुडिशियल में ITAT, CIT अपील, सबसे नीचे वाला कोर्ट CIT अपील होता है, उसके ऊपर ITAT होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। फिर मैंने आपको बोला था कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें हमेशा सेक्शन 1 कवरेज बताता है एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। इंडिया मतलब क्या होता है, इंडिया की धरती, इंडिया का हवा, इंडिया का पानी, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखने को बोली थी, आपने लिखी कि नहीं लिखी, एग्जाम में पूछी हुई है। फिर मैंने बोला था सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन ऑफ द एक्ट, ये बताएगा इनकम टैक्स एक्ट किस किस को एप्लीकेबल है इंडिया में, बराबर। फिर मैंने बताया था कि एक बार एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है तो सेक्शन 14 आता है जो हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बात करता है, और वो बोलता है कि इनकम जो भी हम कंप्यूट करेंगे उसको 5 हेड्स में क्लासीफाई करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, वो बताता है उस हेड में कौन सी इनकम टैक्स होगी, सैलरी के लिए 15, हाउस प्रॉपर्टी के लिए 22, बिजनेस के लिए 28, कैपिटल गेन 45 एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 56, बराबर, ऐसा कुछ आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन करता है, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसी में दी रहती है। सेक्शन 2 में दो टाइप की डेफिनेशन होती है, एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव एग्जैक्ट मीनिंग देगी, इंक्लूसिव फीचर्स बताएगी, और फीचर्स बताएगी मतलब वो डेफिनेशन हमेशा इंक्लूड वर्ड से चालू होगी, या ऐसा लिखा रहेगा मींस एंड इंक्लूड्स, बराबर। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो भी इनकम रहेगी नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ होगी, जो टैक्स रहेगा नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ होगा। फाइनेंस बिल के अंदर चार पार्ट होते हैं, जैसे फाइनेंस बिल 2020 की रेट कन्फर्म करेगा, 2021 की TDS, एडवांस टैक्स रेट बताएगा, एग्रीकल्चर इनकम से बताएगा। फिर मैंने आपको बोला था कि जो हायरार्की रहती है ऑफिसर्स की वो बताई थी। फिर मैंने फंक्शंस बताए थे कुछ आपको, फंक्शंस हायरार्की सिर्फ आपको लिखने को बोला था, होपफुली आपने लिखा होगा, बराबर। अच्छा, उसके बाद नीचे लिखो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और जो नोट्स में पहले पेज में लिखा हुआ है वही आपको लिखने का है। ये एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है पहले, इसीलिए मैंने आपको लिखवा रहा हूं। इंडिया की डेफिनेशन एग्जाम में एक बार पूछी हुई है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स एक बार पूछा हुआ है, ये देखो नोट्स में लिखा हुआ है। तो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, नोट्स नहीं है, यहाँ पॉज करके ये लिख लीजिए। करेक्ट, अच्छा अभी आप ये लिख के आ जाओ, एक बार रीड करके आ जाओ, फिर हम सेकेंड पार्ट पे जाएंगे विच इज नोन एज टैक्स रेट्स। और आज आपको बहुत कैलकुलेशन करना है, तो अगर आपके पास कैलकुलेटर आजू बाजू नहीं रहेगा तो प्लीज लेके बैठना, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के आप सम्स कैसे सॉल्व करोगे। गाइस, आता हूं मैं फाइल सेव करके और अपन करेंगे सम सॉल्व।